नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं रमाशंकर यादव आज आपसे बात करने वाला हूँ कि हाउ टू ओवरटेक आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसको बोलते हैं लोग प्रॉब्लम, समस्याएं। दोस्तों, एक ऐसा शब्द जो आज की डेट में हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और दोस्तों हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। आप भी सोच रहे होंगे यार मेरी भी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, तो दोस्तों इनका समाधान क्या है। दोस्तों, हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है कि आप सबको ड्राइविंग आती है, किसी की भी हो, चाहे साइकिल की हो, मोटरसाइकिल की हो, गाड़ी की हो, दोस्तों एक्स वाई जेड किसी भी वाहन की अगर आपको दोस्तों ड्राइविंग आती है और जब भी आप अपने वाहन को आगे लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोड पे हमारे साथ ऐसा होता है कि दोस्तों कोई ना कोई स्लो वाहन हमारे सामने आगे आ जाता है, और जब कोई ना कोई स्लो वाहन हमारे आगे आ जाता है तो हम क्या करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल सी बात, ये हमारे एटीट्यूड में है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम उसको ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने का मतलब है जहां से हमें जगह मिलती है, हमें स्पेस मिलता है, हमें साइड मिलती है, वैसे ही हम वहां से क्रॉस करके उस वाहन को ओवरटेक कर देते हैं। ओवरटेक करने का मतलब है हम उस वाहन को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है कि जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं तो दोस्तों उस टाइम पे हमें घबराना नहीं है, दोस्तों हमें डरना नहीं है, हमें उनको ओवरटेक करने के लिए रास्ता ढूंढना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चीज का वेट करोगे कि मैं जिंदगी में कुछ भी तब करूंगा जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत चीज समझाना चाहता हूं। दोस्तों, आप घर पर बैठे बैठे इस चीज का इंतजार करो कि जब सारे ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाएंगी तब मैं घर से निकलूंगा, तो क्या आप अपने घर से निकल सकते हैं? दोस्तों, नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, आपको घर से तो निकलना पड़ेगा, आपके सामने स्लो वाहन आएंगे, दोस्तों आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जो आप ट्रैफिक मिलने पर करते हो, दोस्तों जो काम आप स्लो वाहन मिलने पर सड़क पे करते हो, वही काम दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में करना शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, दोस्तों समस्या से डरना नहीं है, दोस्तों समस्या से घबराना नहीं है, दोस्तों समस्या से भागना नहीं है, दोस्तों समस्या का डटकर सामना करना है, दोस्तों समस्या को हमें फेस करना है, दोस्तों हमें उससे फाइट करनी है। बिकॉज दोस्तों, अगर हम समस्या से डर के भागते रहेंगे तो दोस्तों कभी हम उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें डर के, घबरा के नहीं, डटकर उसका सामना करना है। दोस्तों, जिस टाइप पे हमारे सामने कोई स्लो वाहन आता है, हम जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं, सेम थिंग। जब हमारी जिंदगी में कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसको प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, दोस्तों हमें उसके सॉल्यूशन को फोकस करना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कहां से पास करूं, कहां से जगह मिले, वो रास्ता ढूंढना शुरू करो दोस्तों, जहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने वो रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया तो दोस्तों आने वाली जिंदगी की हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, उसको सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों, जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बना लिया, दोस्तों वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो सकता। दोस्तों, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनाइए, बिकॉज दोस्तों प्रॉब्लम इज परमानेंट। दोस्तों, प्रॉब्लम लगातार आएंगी हमारी जिंदगी में, और इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों जिसको बोला जाता है कि प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब समझता है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और दोस्तों, इंग्लिश में ये भी कहा जाता है कि उनसे निपटना, उनको सॉल्व करना, इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये हमारी जिंदगी की एक कला है, दोस्तों हमारी जिंदगी के लिए ये भी एक कला है, जिस कला को हमें सीखना पड़ेगा, दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, जिसको हमें डेवलप करना पड़ेगा और इसको निखारना पड़ेगा, और दोस्तों इस लेवल तक निखारना पड़ेगा कि जिंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ में आए तो दोस्तों डटकर, हंसकर, मुस्कुराकर हम उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करें, और दोस्तों मुस्कुराते हुए उसको बाय बाय कह दें, जिससे कि वो हमारी जिंदगी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। और दोस्तों, हमारी लाइफ जैसी चल रही थी, दोस्तों हमारी जिंदगी जैसी चल रही थी लगातार वैसी ही चलती रहे। और दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आप सड़क पे गाड़ी लेके निकलोगे, गड्ढे, ब्रेकर, स्लो वाहन या फिर ट्रैफिक डेफिनेटली आपको आएगा। ये मत सोचना कि जिंदगी में मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली है, दोस्तों हर एक जिंदगी की समस्या में आती है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उनसे निपटना, इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ये हमारी जिंदगी की कला है जिसको हमें अपडेट करना है, जिसको हमें सीखना है, जिसको हमें निखारना है। और दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आने वाले समय में आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।